आज मेरा एक दोस्त मिला भाई, उसको आए हुए 1 साल हो गया कुवैत में। तो कह रहा है कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे घर जाना है, अब दोबारा नहीं आऊँगा। यही होता है भाई, लोग तो आ जाते हैं यहाँ पर, लाखों रुपये लगा के आ जाते हैं, माँ बाप का सपना दिखला के आ जाते हैं कि विदेश जा रहे, कुछ पैसा कमा के घर बना लेंगे, शादी ब्याह कर लेंगे, बहन की शादी कर लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, बहुत सारे सपने देख के यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है, मज़ा नहीं आ रहा इनको। सबसे इजी डायलॉग पता है क्या बोलता है ये लोग, अरे इतना पैसा तो हम इंडिया में कमा लेते, भाई आते क्यों यार, क्यों आते, वहीं कमाओ। जब तुम्हारे पासपोर्ट पर वीजा स्टाम्प नहीं होता है तब तो तुम लोग बहुत अलबलाते हो यार, मुझे विदेश जाना, कम से कम एक बार विदेश पहुंच जाए, मेडिकल फिट हो जाए, वीजा आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। याद है ना वो दिन जब लगते हो सिलेक्शन में, इंटरव्यू के टाइम में ऊपर वाले को याद करते हो, मेरा सिलेक्शन क्लियर हो जाए, मेरा उसके बाद मेडिकल जब होता है फिर ऊपर वाले को याद करते हो। भाई इतनी तकलीफ के बाद यहाँ पहुँचते हो, फिर तुम लोग का ड्रामा चालू हो जाता है, मज़ा नहीं आ रहा। इतना पैसा इंडिया में कमा लेते हैं भाई, वहाँ भी लोग कमा रहे पैसा, ऐसा नहीं कि वहाँ लोग नहीं कमाते हैं, बट वहाँ के पैसे पता नहीं कि समझ में नहीं आता है भाई, यहाँ के पैसे बहुत बरकत है ऐसा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह।